आई होप यू आर वेरी वेल। ठीक है, जैसे कि हम हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, हमारा टॉपिक था, कल हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो होता है क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करता है ना। तो स्केलेटल एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। स्केलेटल सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको, जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को शेप देता है। उसी के स्केलेटल सिस्टम के कारण ही हमारी बॉडी जो है उसको शेप अच्छा दिखाई देता है। ठीक है ना, तो आज हम उसके बारे में आगे टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ दी स्केलेटल सिस्टम। इसमें हम ये जानेंगे कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट देख लीजिए स्कल। फर्स्ट पार्ट है हमारा स्कल। आप लोग जानते हैं स्कल हमारा जो ब्रेन जो होता है, ब्रेन जहाँ पर सिचुएटेड होता है उसे हम कहते हैं स्कल। अब देखिए स्कल, स्कल में हमारा जो पूरा स्कल जो होता है उसमें 22 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 22 ओनली स्कल वाले पार्ट्स में। ठीक है, और इसका स्कल का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसका क्या काम होता है? हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करना, यानी हमारा जो दिमाग होता है उसकी रक्षा। ठीक, अब हमारा सेकंड पॉइंट है बैकबोन है 33 वर्टेब्रीज। इसमें कितनी बोन्स होती है? 33 होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टेब्रीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब इसका जो बैकबोन होता है वो क्या करता है? फॉर्म्स स्पाइन। ये हमारा क्या बनाता है? स्पाइन बनाता है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिब्स। रिब्स जो होता है उसमें रिब्स है वन स्टर्नम, रिब्स में वन स्टर्नम होता है, और 12 जो होती है पेयर्स ऑफ रिब्स होती है। उसमें जो बोन्स होती है वो सिंगल नहीं होती बल्कि पेयर्स में होती, यानी जोड़े में होती है। तो कितनी हो गई? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। नेक्स्ट है हमारा लेग्स, है ना। नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा? लिम्स। लिम्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे होते हैं फॉरलिम्स, और नेक्स्ट होता है हमारा हैंड। फॉरलिम्स जो होता है वो, फॉरलिम्स मीन्स हमारे हैंड्स में जो, मतलब हमारे हैंड्स को फॉरलिम्स कहा जाता है, और हाइंड लिम्स हमारे लेग्स को हाइंड लिम्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे फॉरलिम्स और हाइंड लिम्स में कितनी बोन्स होती है। ठीक है, देख लीजिए फॉरलिम्स यानी हमारी आर्म्स जो होती है, हमारे हाथ जो होते हैं जिसे हम बाजू में कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 बोन्स होती है, इसमें 3 बोन्स होती है, सॉरी कितनी बोन्स होती है? 3 बोन्स होती है। अब देखिए फर्स्ट होती है ह्यूमरस, फर्स्ट क्या होती है? ह्यूमरस। यहाँ से शोल्डर से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो जो बोन्स होती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। अब हमारा बच्चा नीचे देखिए रेडियस प्लस अल्ना। रेडियस और अल्ना जो होता है शोल्डर से लेकर रिस्ट तक का जो पार्ट होता है उसमें 2 बोन्स होती है, उसे एक उसमें से एक को हम कहते हैं रेडियस और दूसरे को बोलते हैं अल्ना। ठीक है, आगे समझ में आपको। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? फॉरलिम्स यानी हमारे केवल हैंड्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने लेग्स के बारे में। लेग्स में समझ जो पैर होते हैं। अब हमारे लेग्स में भी अलग अलग बोन्स होते हैं। अब कौन कौन से बोन्स होती है वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, उसे लेग्स में होता है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है उसे कहते हैं हम फीमर, और टीबिया और फिब्यूला। ये हमारी किसकी लेग्स हैं? ये हाइंड लिम्स की लेग्स। हाइंड लिम्स मीन्स हमारे लेग्स की बोन्स कहलाती है। आपको पता है फीमर जो होती है, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट बोन होती है, सबसे बड़ी बोन जो होती है क्या होती है? फीमर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसको डिटेल में एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्कल, है ना। अब हम स्कल देखेंगे। इसमें देखिए द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ पहले आपको, जो हमारा स्कल होता है स्कल में कितनी बोन्स होती है? 22 बोन्स होती है। अब देखिए इसका करना, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप इसको, है ना। आउट ऑफ दिस 8 बोन्स कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। इसमें से जो 8 बोन्स होती है केवल हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है उसको कवर करती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट है द रिमेनिंग 14 पार्ट्स। द रिमेनिंग 14 पार्ट्स मेक अप द फेस। और जो 14 बोन्स होती है वो हमारी क्या बनाती है? फेस बनाती है। क्या बनाएंगी? हमारा फेस बनाती है, हमारे चेहरे को बनाती है। अब देखिए देयर आर सॉकेट्स इन बिटवीन द बोन्स ऑफ आवर फेस अप फॉर आवर आईज नॉस्ट्रिल्स माउथ एंड ईयर्स। मीन्स हमारे जो 14 बोन्स होती हैं, ध्यान दे थोड़ा सा, अभी मैंने बताया था जो
कि हमारे आईज, आईज यानी हमारी आंखों के क्या बनाती है, सॉकेट्स बनाती है, यानी जिसके अंदर ये ऑर्गन्स रहते हैं, जिसके अंदर, जिस बोन के अंदर ये ऑर्गन्स रहते हैं उन्हें हम सॉकेट्स कहते हैं। तो ये सॉकेट्स बनाती है किस किस के लिए? फॉर आवर आईज, हमारी आंखों के लिए बनाएंगे। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स मीन्स हमारा जो नोज होता है ना, उसके लिए बनाती है। माउथ, हमारा जो माउथ है मीन्स मुंह होता है। एंड ईयर्स, ईयर्स, ईयर्स के लिए मीन्स हमारे कानों के लिए। ये जो बोन्स होती है, जो छोटे बोन्स होती है हमारे बॉडी पार्ट्स के, क्या बनाती है? सॉकेट्स बनाती है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स रहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, आगे देखिए, स्कल गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक शेप टू आवर फेस। जो स्कल होता है, अभी हमने पढ़ा था स्कल के बारे में, ये हमारे फेस को क्या करता है? शेप देता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, ऑफ द 22 बोन्स ओनली द लोअर जॉ इज, लोअर जॉ इज मूवेबल एंड दैट इनेबल अस टू स्पीक एंड ईट। यानी जो 22 बोन्स होती है वो केवल लोअर जॉ में, लोअर जॉ मीन्स हमारा जो माउथ होता है उसमें अपर, ऊपर वाले जॉ को कहते हैं अपर जॉ और नीचे वाले जॉ को कहते हैं लोअर जॉ। तो उसमें ये लोअर जॉ में जो मूव करता है हमारा जो लोअर जॉ, उसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। आगे देखिए, द स्कल इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द बैक बोन। जो स्कल होता है हमारी, जो बैक बोन होती है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसको भी हमारे स्कल से, स्कल जो होता है, स्कल हमारे बैक बोन को कनेक्ट करने का भी काम करता है। चलिए, हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैक बोन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए अब कॉलम, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, बैक बोन हैज 33 वर्टिब्रे, यानी इसमें जो बोन्स होती है कितनी होती है? नंबर ऑफ 33। इसमें हम बोन्स नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे वर्टिब्रे बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इसको वर्टिब्रे जो होती है ये तो प्लूरल फॉर्म है इसका, बट इसका सिंगुलर फॉर्म होता है वर्टिब्रे। ये हमारी क्या बनाती है? बैक बोन बनाती है, यानी ह्यूमन बॉडी की ये रीढ़ की हड्डी बनाती है, ठीक है। पीछे कमर में हमारे, देखो यहाँ ऊपर से ये स्कल से लेकर नीचे वाले पार्ट्स तक जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं बैक बोन, ठीक है ना। इसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। चलिए देखिए, अब रिब्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिब्स के बारे में। रिब्स, देयर इज ए केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट व्हिच इज कॉल्ड द रिब केज। ये रिब्स का काम होता है हमारे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को कहाँ रखा जाता है? केज में रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है। उसका पिंजरा लोहे का बना होता है, किस टाइप से बना होता है? तो वैसे ही ये जो हमारी रिब्स होती है हमारी बॉडी की केज बनाती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिब केज। इसीलिए हम इसको नाम, इसको भी, इसको जानेंगे रिब केज के बारे में, रिब केज भी इसे कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रेशर पे बताया था मैंने, प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट, यानी इसका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि ये हमारे लंग्स की और हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट जो होता है उसकी उसकी क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अब लिम्स, लिम्स के बारे में ये मैंने थोड़ा सा बताई दिया है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। ह्यूमन हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, ह्यूमन में टू पेयर्स होते हैं लिम्स के। अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट होता है हमारा फोर लिम्स और सेकंड होता है हमारा हाइंड लिम्स। अब फोर लिम्स में देखिए क्या, कौन कौन सी बोन्स होती हैं? द फोर लिम्स और आवर आर्म्स आर मेड ऑफ टू पार्ट्स। हमारा जो फोर लिम्स होता है वो टू पार्ट्स का, टू पार्ट्स होते हैं उसमें, है ना। द अपर आर्म हैज वन लॉन्ग बोन कॉल्ड द ह्यूमर, जैसे कि अभी बताया ही थे मैंने, फोर लिम का जो अपर आर्म्स होता है यानी ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसे हम कहते, उस बोन को हम कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहेंगे? ह्यूमरस। आगे देखिए, द ह्यूमरस इज, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे जरूर, द ह्यूमरस इज ज्वाइंट टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर। और ये हमारे, ये जो ह्यूमरस होता है हमारे स्पाइन को शोल्डर से जोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, द शोल्डर कंसिस्ट ऑफ कोलर बोन इन द फ्रंट एंड द शोल्डर बोन एट द बैक। यानी जो शोल्डर होता है उसमें जो बोन्स होती है, एक तो होती है कॉलर बोन, है ना, और दूसरी होती है शोल्डर बोन, शोल्डर ब्लेड कहते हैं जैसे बोन की जगह, इसमें क्या कहेंगे? शोल्डर ब्लेड, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देखिए जो लोअर आर्म होती है, अभी हमने अपर आर्म के बारे में पढ़ा था, मीन्स ह्यूमरस के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लोअर आर्म के बारे में। लोअर आर्म हैज टू बोन्स, द फर्स्ट रेडियस एंड सेकेंड इज अलू। अब इसका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में? दिस आर्म्स इज अटैच्ड टू आवर हैंड। ये जो रेडियस और अल्ना जो होती हैं, वो जो ह्यूमरस होती हैं, ये जो तीनों बोन्स होती हैं, उनका ये वर्क होता है कि ये हमारे आर्म को, हमारी भुजा को हमारी हैंड से अटैच करने का काम
होती है। चलिए हम पढ़ेंगे हैंड लेंस के बारे में, यानी हमारे लेग्स के बारे में। द हैंड लेंस और अवर लेग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द अपर लेग एंड द लोअर लेग्स ज्वाइन टूगेदर एट द नीज। ये जो हाइंड लेंस होता है, जिसे हम अपने लेग्स भी कहते हैं, इसमें एक अपर, ये टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको हम, अपर लेग और नीचे लोअर लेग, ठीक है। और ये दोनों कहाँ से कहाँ ज्वाइन होते हैं साथ में, नीज पर, यानी घुटने से ये ज्वाइन होते हैं। द अपर लेग हैज थाई बोन विच इज ए स्ट्रॉन्ग बोन एज इट बियर्स द वेट ऑफ अवर बॉडी एंड इज कॉल्ड फीमर, है ना। अभी बताया था मैंने फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बोलेंगे इसे ना, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, इट इज अटैच्ड टू द हिप बोन, और किससे अटैच होती है ये, हिप बोन बोन से। अब देखिए द लोअर लेग हैज टू बोन्स, जो लोअर लेग्स होता है उसमें टू बोन्स होती है, फर्स्ट होती है हमारी टीबिया और सेकेंड होती है हमारी फ्यूबुला। जो टीबिया होती है इन फ्रंट होती है, यानी सामने की जो बोन होती है उसे हम बोलेंगे टीबिया, और बैक साइड में जो होती है उसे हम बोलते हैं फ्यूबुला, ठीक है ना। ये दोनों जो होती है अटैच होती है, लोअर लेग इज द फुट, यानी हमारे पैरों से अटैच होती है। विच फुट फुट विच इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, ये जो फुट होता है बहुत छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ओके।